वेलकम टू अश्विनीज फूड कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप चाहते हैं उनके लिए कोई डेजर्ट पेश करें, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इजी वीजी रेसिपी को। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एक बाउल, जिसमें हम 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। दूध और कस्टर्ड पाउडर के घोल को हमें अच्छे से मिला लेना है, उसमें कोई भी लम्स ना रहने पाए। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का दूध यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध का घोल अच्छे से रेडी हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसे हम साइड में रख देंगे और अभी एक हेवी बेस का पैन लेंगे, जिसमें हमने 1/2 लीटर दूध डाला है। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही रिच एंड क्रीमी बनता है। अभी इस तरीके से चलाते हुए हमें दूध को एक उबाल आने तक गर्म कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे दूध को फर्स्ट बॉईल आ चुका है। अब हमें दूध को चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को भी धीमे कर देना है। इस स्टेज पर हमें 1 कटोरी शुगर इसमें ऐड करनी है। शक्कर का प्रमाण आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हमें दोबारा से दूसरा बॉईल आने तक वेट करना है। देखिए बॉईल आ चुका है दूध को। अब इस स्टेज पर हमने जो कस्टर्ड का घोल बना के रखा था दूध के साथ में, वो हम इसमें ऐड करेंगे। कस्टर्ड का घोल ऐड करते समय हमें ध्यान रखना है कि करछी हमेशा चलती रहनी चाहिए, एकदम से कस्टर्ड का घोल डालना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच कस्टर्ड का घोल पहले डाला है। देखिए इस तरीके से घोल डालना है और करछी घुमाते रहनी है, ताकि हमारा जो कस्टर्ड का घोल हमने ऐड किया है वो बेस में जमे नहीं और उसमें लम्स ना होए। इस तरीके से हमें चलाते रहना है कंटिन्यूसली। फिर से हम थोड़ा सा और कस्टर्ड पाउडर का घोल इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यूसली करछी चलाते हुए रहना है और 1 मिनट के बाद हम दोबारा से जो बचा हुआ घोल है वो पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे और कंटिन्यूसली इस तरीके से करछी घुमाते रहेंगे। अब इस दूध को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 4 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसी तरीके से हमें कंटिन्यूसली करछी चलाती रहनी है, ताकि लम्स ना होए इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पे दूध बहुत ही गाढ़ा हो गया है और दूध का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। बस इसी स्टेज पर हमें चेक कर लेना है कि दूध हमारा अच्छे से पक गया है या नहीं, जिसके लिए हमें इसे करछी उठानी है। करछी पे जो दूध लगा हुआ है उसके बीच में से हमें उंगली घुमानी है इस प्रकार, और अगर दूध हमारा स्प्रेड नहीं हो रहा है तो बस यही मोमेंट पे हमें गैस को बंद कर देना है और एक बाउल में इस दूध को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध की कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही गाढ़ा भी है और बहुत ही गर्म भी है। फिलहाल हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप देखिए इसी कंसिस्टेंसी का दूध हमें चाहिए। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। इस तरीके से चम्मच पर हमें उंगली घुमानी है और अगर हमारा दूध स्प्रेड नहीं हो रहा है तो कंसिस्टेंसी प्रॉपर है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें दूध को नहीं करना है। चलिए देखते हैं कस्टर्ड की तरफ। 1/2 घंटा हो गया है और हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। एक बार दोबारा से देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है एक फ्रूट कस्टर्ड के लिए। आप चाहो तो इसे ऐसे ही फ्रिज में 2 से 3 दिनों तक रख सकते हो, या तो फिर अभी के अभी अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर बनाना, अनार, एप्पल, कीवी और अंगूर, ये सारे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसके अलावा भी मैंगो, चीकू या जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको जूसी फ्रूट्स ऐड नहीं करने हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब फ्रूट्स आपको ऐड नहीं करने हैं। इसके अलावा आप जो चाहे वो फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए अब फ्रूट्स को ऐड करते हैं। सभी फ्रूट्स को ऐड करने के बाद हमें इसे हल्के से मिलाना है, इसे हमें बहुत ही फास्ट मिलाना नहीं है, बस इतना मिलाना है कि ये फ्रूट्स और हमारा कस्टर्ड एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। आप अगर चाहो तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ डेट्स को मैंने बारीक कट कर लिया है।
साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ काजू। काजू को भी हमने बारीक कट कर लिया है और बादाम को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट कर हम ऐड कर रहे हैं ताकि वो दिखने में अच्छे लगे। और ऐड करेंगे कुछ किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इन्हें भी अच्छे से मिला लेना है। हमारा कस्टर्ड रेडी है, बट एज़ वी ऑल नो कस्टर्ड इज़ बेस्ट सर्व व्हेन इट्स चिल्ड। तो चलिए इसे रख देते हैं, अब हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए अच्छे से चिल हो जाएगा, फिर हम इसे सर्व करेंगे। फ्रिज में रखते समय हमें ध्यान देना है कि कस्टर्ड को हम अच्छे से कवर करके रखें ताकि उसके ऊपर कोई परत ना जमे। तो मैंने यहाँ पे एक फॉइल पेपर लिया है और फॉइल पेपर से इसे कवर कर दिया है। आप चाहो तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भी इसे बंद करके रख सकते हैं। 2 घंटे बाद हमने कस्टर्ड को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टर्ड बहुत ही प्यारा और कलरफुल लग रहा है। हम जल्दी से इसे एक मिक्स दे देते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। कस्टर्ड सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके के बाउल्स का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहो तो इसे इस तरीके के बाउल्स में या तो फिर किसी आइसक्रीम कप्स में भी सर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अच्छे से कस्टर्ड को बाउल्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। हमारा कस्टर्ड बहुत ही प्यारा लग रहा है, बट फिर भी इसमें कुछ कमी लग रही है, तो हम इसे सजाएंगे कुछ इस तरीके से कीवीज़ का इस्तेमाल करके। आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कीवीज़ को छोटा छोटा कट कर लिया है और इस तरीके से हम कस्टर्ड में उसे ऊपर से डाल देंगे ताकि वो दिखने में कलरफुल और अट्रैक्टिव लगे। साथ ही में हम इसमें कुछ एप्पल्स के छोटे छोटे टुकड़े भी इसमें ऐड करेंगे और उसे और भी ज़्यादा कलरफुल और टेम्पटिंग बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे अनार के दाने। साथ ही में मैं इसमें कुछ पिस्ताचू भी ऐड करने वाली हूँ। पिस्ता को मैंने ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आप देखिए इस तरीके से कुछ पिस्ता ऐड करने से ये और भी ज़्यादा रिच और हेल्दी बन जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप अपने बच्चों के लिए, अपने गेस्ट के लिए इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपके बच्चे फ्रूट्स खाने में आनाकानी करते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरीके से अगर उनको फ्रूट्स खिलाए तो ये प्रेजेंटेबल भी है और बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं, तो वो ज़रूर इसे खाएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।